अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 9th क्लास बच्चे कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा बच्चे, हमने लास्ट टाइम जो है अपनी केमिस्ट्री का जो है, जिसे कहते हैं ना केमिस्ट्री की जो बेसिक्स की जो डेफिनेशन थी, हमने वो पढ़ी थी कि बच्चे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम मैटर क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, किसी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किसी चीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैटर की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मिक्सचर की टाइप्स भी दोनों नाम देखा था, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। आज जो है बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, उसका नाम है बच्चे एलिमेंट्स। ठीक है बच्चे, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ये बोर्ड ने एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको अच्छी तरह जो है हमने याद करना है। एलिमेंट्स देख लेते हैं। इन द अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर वर नॉट। ठीक है, स्टार्ट में अर्ली एजेस में, ठीक है, कोई 200-300 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 9 तरह के जो हैं एलिमेंट्स जो है वो दरियाफ्त हुए थे, लोगों को लोग जानते थे, वो कार्बन थे, कार्बन था उसमें शामिल, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी था, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर, ये जो है 9 एलिमेंट जो है सिर्फ जो है लोगों को पता था। एट दैट टाइम इट वॉज कंसिडर्ड एलिमेंट वर द सब्सटेंस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर यूनिट्स बाई ऑर्डनरी केमिकल प्रोसेस। तब ये समझा जाता था बच्चे कि जो एलिमेंट होता है ये जो है ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ऑर्डनरी मतलब आम केमिकल प्रोसेसेस को ब्रेक नहीं किया जा सकता। एंड अनटिल द एंड ऑफ 19th century 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, 19th century के एंड तक, मतलब 1899 तक जो है कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, 63 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके थे, और अब कितने, नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब तक जो है 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। ठीक है, जिस 118 में से जो है नेचुरली अकरिंग कौन से हैं, 92 हैं, और बाकी जो बचते हैं तकरीबन जो 26 बाकी बचते हैं ये आर्टिफिशियल जो है लेबोरेटरी में जो है वो तैयार किए हुए हैं। मॉडर्न डेफिनेशन, यहाँ पे बच्चे एलिमेंट की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, ऊपर जो है बच्चे हिस्ट्री का पॉइंट आप बना सकते हैं, और MCQ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं, पहले कितने एलिमेंट्स जो है दरियाफ्त हुए, उसके बाद कितने आए, ये सारा जो है उसके अंदर जो है वो शामिल होगा। अब जो है डेफिनेशन जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज डैट इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। ठीक है, ये क्या है कि एलिमेंट क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक तरह के एटम से मिलकर बने। ठीक है, एक एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के एटम्स होंगे। ठीक है, और उनका सेम एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, और इसको जो है वही बात आ गई कि सिंपल केमिकल रिएक्शन से इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, एलिमेंट को डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन ये तोड़ा नहीं जा सकता। इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स दैट हैज वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट में एक ही तरह के एटम्स मौजूद होंगे, मतलब कार्बन का अगर एलिमेंट है तो उसके अंदर कार्बन के एटम्स ही मौजूद होंगे और उसकी बड़ी खास किस्म की क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगे। नेक्स्ट है बच्चे, एलिमेंट अकर्ड इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, वो दो तरह की फॉर्म में हो सकते हैं, या तो फ्री फॉर्म में होंगे या किसी के साथ उन्होंने कंपाउंड बनाया होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन फ्री है, ऑक्सीजन की बात करें ऑक्सीजन भी फ्री है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वाटर बनता है। ठीक है, तो ये फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। All the naturally occurring elements found in the world have different percentage in the earth crust, ocean and atmosphere. ठीक है, मैं बता रहा है कि जितने भी naturally occurring elements हैं इनकी जो है स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक जो है परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट में। वो टेबल वो जो उसने बनाया वो देख लेते, टेबल बच्चे आपने लाजमी याद करना है, बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में देखें, मतलब जो अर्थ के अंदर है ऑक्सीजन कितने परसेंट है वहाँ पर, 47% है, सिलिकॉन 28% है, और एल्यूमिनियम जो है अर्थ की क्रस्ट में 7.8% है। ओशन में देख लेते हैं बच्चे, ओशन में 86% ऑक्सीजन है आपके पास, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है। 11% बच्चे आपके पास हाइड्रोजन है, और क्लोरीन कितने परसेंट है बच्चे, 1.8% है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, उसके अंदर नाइट्रोजन कितनी है, 78%, ऑक्सीजन कितनी है, 21%, जिससे हम सांस लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, और आर्गन कितनी है बच्चे आपके पास, 0.9% जो है ये इसकी
कंपोजिशन है हमारे एटमॉस्फेयर की। अब एलिमेंट्स की टाइप आ जाती हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। एलिमेंट की तीन टाइप्स हैं, एलिमेंट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। एलिमेंट तीन तरह के होते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन गैस है, एल्यूमिनियम सॉलिड होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रोमीन जो है आपको कभी देखा नहीं है, मरकरी आपने कभी देखा नहीं, मरकरी ये लिक्विड होते हैं, ठीक है। मरकरी आपको पता है थर्मामीटर के अंदर होता है, लिक्विड होता है वो। मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड, एग्जाम्पल सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, ये सारे सॉलिड होते हैं। सोडियम को सॉलिड है, कॉपर भी आपको पता है सॉलिड है, गोल्ड भी आप सबको पता है कि सॉलिड होता है, सिल्वर भी आपको पता है सॉलिड होता है, जिंक भी सॉलिड है। देर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट, एग्जाम्पल मरकरी एंड ब्रोमीन, ठीक है। बहुत कम एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें से दो है मरकरी और ब्रोमीन, जैसे मैंने आपको अभी आपको पहले भी बताया था। अ फ्यू एलिमेंट एग्जिस्ट एज गैसेज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, आपको पता है सब गैसेज हैं, नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो आपको पहले ही पता था ये गैसेज होती हैं, क्लोरीन भी अब आपको पता लग गया गैसेज होती हैं। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से भी एलिमेंट्स को तीन में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। ये तीन तरह की टाइप्स है मेटल्स की, या मेटल होगा या नॉन मेटल होगा या मेटलॉइड होगा। मेटल होता है जो जिसकी मेटल की शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है। नॉन मेटल आपको पता है मतलब ये जो गैसेस टाइप होती हैं, और मेटलॉइड्स होती हैं ऐसी, ये ऐसे एटम्स एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं।